जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? और मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे मंदिर में जो अन्नकूट का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे आपको आज लेके चलूँगी। तो आप सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरे साथ चलिए हमारे मंदिर में। और ये मेरे बगल में बैठा है ना, ये मेरे देवर का बच्चा है और ये आपसे बात कर रहा है। जय श्री कृष्णा सबको। ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये मेरे को लाड़ करती है। ये पता छोटा था ना, जब नहीं आता था, लेकिन अब ये मेरे पास बहुत आता है। और कहीं भी मैं इसको मिल जाती हूँ ना, तो ये दौड़ के मेरे पास आता है, बड़ी मम्मी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे बड़ा चहेता बच्चा है ये। तो आप ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और ये मेरा बेटा आपको कैसा लगा। अब हम आ गए हैं मंदिर में, तो देखिए कितनी चहल पहल है मंदिर में। और ये क्या शाम का वीडियो है, तो जब दिन भर से ये सब लोग मंदिर सजा रहे थे, ये शाम का वीडियो है। और देखिए कितनी चहल पहल है, इधर ये बड़े लोग बैठे हुए हैं और कोई रंगोली बना रहा है जो, और ये सब घूम रहा है। और ये सुबह की क्लिप है, तो ये लोग क्या रंगोली बना रहे हैं सारे जो लड़के होने वो। और ये क्या बड़े उत्साह के साथ सुबह से लगे थे, 9-10 बजे से लगे थे मंदिर को सजाने के लिए। और ये बड़े लोग भी इधर बता रहे हैं कि ऐसा लगाओ, इस तरह से करो, इस तरह से ये मालाएं लगाओ। सब अपने अपने हिसाब से मंदिर को मंदिर को सजा रहे हैं अच्छे से, उसकी मंदिर को रात की जो महाआरती होगी उसके लिए तैयारी हो रही है। तो देखिए इधर भैया लोग हैं रंगोली बना रहे हैं और उधर वो माला वगैरह से सजा रहे हैं। काफ़ी उत्साह और उमंग है सबके मन में, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है मंदिर में जो अन्नकूट का प्रोग्राम होता है, तो दिवाली के बाद होता है। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि हाँ ऐसा करो, इस तरह से लगाओ। और सब मिलके बहुत अच्छी तरह से हम जो अन्नकूट का प्रोग्राम रहता है बहुत अच्छे से मनाते हैं। और इसमें क्या सब अपने अपने घर से चीज़ें बना के लाते हैं। और ये मेरी बुआ का लड़का है जो रंगोली बना रहा है, हंस रहा है, इसको बहुत मज़ा आती है, बहुत उत्साह के साथ है। सारे बच्चे, समाज के जितने भी बच्चे हैं ना, सारे बच्चे बहुत अच्छे से उत्साह के साथ प्रोग्राम में भाग लेते हैं। इसको देखो कितनी मज़ा आ रही है ना, कैसा हंस रहा है बढ़िया। तो क्या जिस दिन अन्नकूट का प्रोग्राम रहता है ना, उस दिन सब अपने अपने घर से कुछ चीज़ें बना के लाते हैं, पर्चियाँ डाल दी जाती है, तो 2 या 3 चीज़ें आती है। जैसे किसी के पास गुंजे बर्फी आ गई, किसी के पास पराठे जामफल आ गए, इस तरह से 56 तरह की चीज़, लेकिन 56 भोग बोला जाता है, पर कई तरह की 56 से ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि सब अपने अपने घर से 2 या 3 तरह की चीज़ें तो ज़रूर बना के लेके आते हैं। और ये पूरा मंदिर हमारा सज गया, सबके घरों से सामान आ गया है और ये भगवान जी को भोग लगा दिया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। पूरी चीज़ें रख दी गई है बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से सजाया है मंदिर को। और कितने सलीके से ये चीज़ें रखी है, भगवान जी को भोग लग रहा है भोग लगाने के लिए। और अब इसके बाद होगी महाआरती। तो देखिए रंगोली जो सुबह बच्चे उनने बनाई थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह रहता है। और ये सब भैया लोग हैं और इनकी मैंने पिक डाल दी थी जो इन लोग लगे हुए थे सजाने में। और ये हो गई है महाआरती स्टार्ट। ये महाआरती
शुरू हो गई है। आरती होने के बाद ये सारी जो चीज़ें थी इन सबको मिला लेंगे। जैसे जो मीठा मीठा है वो एक जगह कर लेंगे, जो नमकीन है वो एक जगह कर लेंगे, और उसके बाद भोजन प्रसादी रहेगी। तो भोजन के साथ ही ये प्रसाद भी, जो महाप्रसाद है, ये भी देते जाएंगे। तो कुछ क्लिप क्या मैं ले नहीं पाई थी, जो भोजन जब कर रहे थे ना, वो बीच बीच में क्या अच्छा नहीं लगता है मैं वीडियो, तो मैंने बच्चों से बोला था, लेकिन
बच्चे भी नहीं ले पाए थे जो भोजन की क्लिप थी। इस तरह से ये सारे मिला रहे हैं और उधर दूसरे हाल में भोजन की तैयारी हो रही है और भोजन प्रसादी होगी। तो एक आध तो क्लिप तो है, ये क्लिप तो मेरे पास थी तो ये मैंने डाल दी, बाकी मेरे पास वीडियो जो भोजन की थी वो नहीं थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आप नए आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे क्या मेरे को पता भी चलता है ना कि हाँ, मतलब नाम आ जाता है कमेंट में कि किसने देखा, तो क्या उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, अरे इन्होंने भी देखा। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग ही मुझे आगे बढ़ा रहे हो और आप लोग की वजह से ही, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ।